रशिया के नए मालिकों के लिए विमानों और ऋण का $5 अरब प्राप्त करने के लिए नुकसान निर्माण में बहुमत हिस्सेदारी बेचकर 85 वर्षीय कंपनी एक नकली नहीं होने जा रही है। लगभग 2 दशक पहले कम से कम एक प्रयास भयंकर राजनीतिक विपक्ष के बीच विफल हुआ। भारत अपने प्रमुख वाहक में एक नियंत्रित हिस्सेदारी बेच रहा है जिसमें 2/3 हानि बनाने वाली एयरलाइन के 7.8 अरब डॉलर का कर्ज है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दशकों में देश की सबसे उच्च प्रोफाइल संपत्ति बिक्री के साथ आगे बढ़ते हैं। बुधवार को नागरिक उड्डयन मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किए गए एक दस्तावेज के मुताबिक सरकार एयर इंडिया लिमिटेड की 76% हिस्सेदारी बेच सकती है। एयरलाइन के विदेशी बजट क्रय की पेशकश में पूरी तरह से बेचा जाएगा, जबकि राज्य जमीन से निपटने इकाई में 50% हिस्सेदारी अलग से बेच देगा। प्रशासन खरीदार को एक आरंभिक सार्वजनिक पेशकश करने के लिए भी कह सकता है। एयर इंडिया की सफल बिक्री, जो कि करदाता वित्त पोषित ब्याज पर जीवित है, को प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक परीक्षण मामले के रूप में देखा जाता है, ताकि सुधारकर्ता ने राज्य चलाने से स्वास्थ्य चलाने और स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च बढ़ाने की कोशिश की। राष्ट्रीय वाहक में 5 सहायक, 1 संयुक्त उद्यम और 27,000 लोगों के संयुक्त कर्मचारी हैं। CAPA सेंटर फॉर एविएशन में दक्षिण एशिया के CEO कपिल कौल ने कहा, 76% हिस्सेदारी बेचकर सरकार के लिए दूसरा सबसे अच्छा विकल्प है। सबसे अच्छा विकल्प पूरी तरह से बाहर निकलना होगा। यह भी एक चेतावनी है कि अधिग्रहणकर्ता कंपनी को सूचीबद्ध करना होगा, जिसका अर्थ है कि सरकार IPO मार्ग से निकल रही है, जो उचित और बहुत सकारात्मक है। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ही एकमात्र कंपनी है जो एयर इंडिया के एयरलाइन परिचालन खरीदने की इच्छा का खुलासा करती है। सबसे आकर्षक व्यवसाय जिसमें न्यूयॉर्क से हवाई अड्डे पर हीथ्रो में प्राइम टाइम स्लॉट शामिल है, साथ ही द्विपक्षीय अधिकारों को सबसे ज्यादा उड़ाने शुरू करने के लिए देशों सिंगापुर एयरलाइंस लिमिटेड और भारत के टाटा समूह, जो भारत में विस्टरा नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी चलाते हैं, नहीं कहा कि वे बिक्री को देखने के लिए भी खुले हैं, लेकिन अभी तक विस्तृत जानकारी नहीं दी है। नुकसान निर्माण में बहुमत हिस्सेदारी बेचकर 85 वर्षीय कंपनी एक नकली नहीं होने जा रही है। लगभग 2 दशक पहले कम से कम एक प्रयास भयंकर राजनीतिक विपक्ष के बीच विफल हुआ। नवीनतम पेशकश में 333 अरब रुपए, 5.1 अरब डॉलर का कर्ज शामिल होगा, जिसे खरीदार को सरकार के पास जाने वाले शेष राशि का अधिग्रहण करना होगा। भारत एयर इंडिया में शेष हिस्से को बेचने का इरादा रखता है, जिसमें प्रारंभिक शेयर की बिक्री के दौरान शेयरों की बिक्री शामिल हो सकता है। दस्तावेज के अनुसार सरकार किसी ब्लॉक में शेयर नहीं बेचती। एयर इंडिया राज्य के स्वामित्व वाली घरेलू ऑपरेटर इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड के साथ अपने 2007 के विलय के बाद लाभहीन रहा है। मार्च 2017 के माध्यम से कंपनी ने लगभग 3 अरब रुपए, $46 मिलियन का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया था। मुख्यतः तेल की कीमतों में गिरावट के कारण यह अभी भी 57.7 अरब रुपए का शुद्ध घाटा दर्ज किया गया है। जूनियर विमानन मंत्री जयंत सिन्हा ने 8 फरवरी को सांसदों को बताया था, भारतीय नियमों से एक विदेशी एयरलाइन को स्थानीय वाहक के रूप में जितना 49% खरीदना पड़ता है, जबकि एयरलाइनों के अलावा विदेशी निवेशकों को एक संपूर्ण क्रय खरीदना पड़ सकता है। जनवरी में प्रधानमंत्री मोदी ने एयर इंडिया को शामिल करने के लिए जनवरी में नियम छेड़ लिए थे, जो तब तक उन नियमों का हिस्सा नहीं थे। एयर इंडिया ने 1932 में टाटा एयरलाइंस के रूप में शुरू किया और बाद में राज्य की स्वामित्व बन
गई। जहांगीर रतनजी दादा भाई टाटा द्वारा स्थापित यह तत्कालीन अविभाजित ब्रिटिश शासित भारत और बॉम्बे में कराची के बीच उड़ान की उड़ान उड़ा। एक बार वाणिज्यिक बनने के बाद एयरलाइन अपने बॉलीवुड अभिनेताओं हाएन शैम्पेन और अत्यथार्थवादी चित्रकार सल्वाडोर दाली की डिजाइन वाली चीनी मिट्टी के बर्तन एश्रे की विशेषता वाले विज्ञापनों के साथ जल्दी से लोकप्रिय हो गई।